दिस चैनल डू नॉट सपोर्ट एनी इलीगल एक्टिविटी, ओनली कंटेंट प्रोवाइड ओनली एजुकेशन पर्पस एंड दिस कंटेंट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। पिछले दो तीन वीडियो में हमने इथिकल हैकिंग एंड फुट प्रिंटिंग के बारे में जानने की कोशिश की और मैंने वीडियो के लास्ट में कहा था नेक्स्ट वीडियो में डीपली जानने की कोशिश करेंगे। सो मेरे माइंड में आया क्यों ना इस वीडियो में इथिकल हैकिंग ऐप के बारे में जाने, तो हम इथिकल हैकिंग डीपली जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब बात आती है हैकिंग ऐप्स की। हैकिंग ऐप्स किसी भी इंटरनेट से रिलेटेड सिस्टम को हैक करने का एप्लीकेशन होता है, जिसके जरिए एक हैकर इन सभी एप्स की जानकारी लेकर इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को हैक कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन एप्स की जानकारी इस मकसद से लेना चाहते हैं जिससे हैकिंग जैसी चीजों से बच सके। इस तरह के दो लोग होते हैं जो हैकिंग से जुड़े हुए हैं। जो लोग हैकिंग के खास एप्स की जानकारी रखते हैं, वे इन एप्स की जानकारी को जानकर सही तरीके से इन एप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए पांच ऐसे इथिकल हैकिंग एप्स लेकर आया जो आपको हैकिंग में काफी हेल्प करने वाले हैं। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप अच्छे कामों में करें, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। बी इथिकल। तो इसके लिए वीडियो के लिए एक लाइक जरूर बनता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस मात्र के लिए, ना कि किसी इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारे पास जो पहला एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है कायरा द पेन टेस्टर। ये एक ओपन सोर्स एंड फ्री एप्लीकेशन है एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। ये एप्लीकेशन पहले प्ले स्टोर पर अवेलेबल था, बट ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं मिला। किसी कारण से इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। सो आप समझ सकते हो प्ले स्टोर से क्यों हटाया गया है। ये एप्लीकेशन इथिकल हैकर के लिए बहुत ही बेस्ट ऐप है और इथिकल हैकिंग में बहुत ज़्यादा आपको काम आ सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। जैसे कि परफॉर्म हेडर स्कैन, डिक्शनरी अटैक, पैकेट डिटेक्ट, यू कैन फाइंड वल्नरेबिलिटी फॉर कनेक्टेड नेटवर्क लाइक मैन इन द मिडिल अटैक, क्रिएट सेल कंसोल, एडजस्ट एक्सप्लॉइट सेटिंग एंड मेनी मोर। दिस इज बेस्ट इथिकल हैकर ऐप, यू मस्ट ट्राई। नंबर टू, पैकेट कैप्चर। दिस इज ए बेस्ट एंड सिंपल एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फ्री है, बट इसमें थोड़े बहुत एड वगैरह देखने को मिल सकते हैं, बट ये एकदम फ्री एप्लीकेशन है और इसे आप बिना रूट के यूज भी कर सकते हैं। और इसमें आप पैकेट स्नाइपिंग लाइक मैन इन द मिडिल अटैक और भी इथिकल हैकिंग के लिए एक खास ऐप है, तो इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर थ्री, वाईफाई इंस्पेक्टर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा हैकर यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन मल्टीपल काम करता है, जैसे किसी भी वाईफाई को स्कैन करना, उसके बाद जिस किसी वाईफाई के बारे में डिटेल जानना चाहते हो उसका सब कुछ जान सकते हो, जैसे कि आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और डिवाइस नेम भी जान सकते हो। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है, तो इसको एक बार जरूर ट्राई करें। नंबर फोर, शार्क फॉर रूट। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। दोस्तों शार्क फॉर रूट एंड्रॉइड हैकिंग ऐप से ये एक पॉपुलर हैकिंग ऐप्स माना जाता है। ये बेसिकली ट्रैकिंग करने के लिए बनाया गया है, यानी कि अगर आप किसी भी दोस्त या मोबाइल की एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहते हैं या फिर आप अपने ऑफिस टीम के मेंबर को ट्रैक करना चाहते हो, आखिर वे क्या कर रहे हैं अपने फोन में या लैपटॉप में, तो ये सारी एक्टिविटी को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। लिस्ट में नंबर फाइव और आखिरी एप्लीकेशन है जेंटी। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। दोस्तों जेंटी एप्लीकेशन बहुत ही पॉपुलर और यूजफुल एंड्रॉइड ऐप है। इथिकल हैकिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे फीचर है, बट कुछ मोस्ट फीचर में आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप एक हैकर बनना चाहते हो तो आपको इसको पूरी तरीके से यूज करना सीखना है। बात करते हैं जेंटी एप्लीकेशन के बारे में। ये बेसिकली वाईफाई हैकिंग ऐप है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप आसपास के जितने भी वाईफाई है उसको स्कैन करने का काम करता है। तो अब इस एप्लीकेशन के फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप अपने फोन का मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया है। क्रिएट मलिशियस वाईफाई हॉटस्पॉट, सिटीजन हाईजैकिंग एंड मैन इन द मिडिल अटैक, क्रिएट पासवर्ड, कैप्चर डाउनलोड, रिप्लेस एनी इमेज बाइट एनी लिंक। तो ये थी कुछ एप्लीकेशन जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। ये एप्लीकेशन आपको इथिकल हैकिंग में काफी हेल्प करेगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।